हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है चेंज लाइफ अप चैनल में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जा रहा हूँ बताने कि यूपीएसआरटी एप भी पेज पर जो कि एक क्विज आया है उसको आप कैसे खेलेंगे। तो काफ़ी सारे दोस्तों का कमेंट आ रहा था कि व्हाट्सएप पे ये कैसे हम ओपन करेंगे, इसको हम कैसे जानेंगे, कैसे कहाँ से इसका एक्सेस होगा। तो उसके बारे में मैं पूरा बताऊँगा आप कैसे क्विज को कम्प्लीट करेंगे और इसको कैसे आप कम्प्लीट पूरा इसको भर पाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो कि बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि जब भी नया अपडेट आएगा तो आपको उसका अपडेट मिलता रहेगा, क्योंकि नए नए क्लास मैं डेली अपडेट पर ले आता हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्विज कैसे ओपन करेंगे। तो आपके देखिए यहाँ पर लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पर आपको सिंपली क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक पेज ओपन होके आ जाएगा। देखिए पेज ओपन हो रहा है, आपके सामने पूरा पेज ओपन होके आ गया और यहाँ पे देखिए एक नोटिफिकेशन चल रहा है। यदि आप डेस्कटॉप आप ब्राउज़र सेटिंग में ओपन कर रहे हैं तो आप ब्राउज़र की सेटिंग में जाकर डेस्कटॉप मोड में कर लें। यदि आप गूगल क्रोम में ओपन करते हैं तो यहाँ पर देखिए तीन बिंदी दिखाता है, वहाँ पर आपको डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन आता है, आप वहाँ से डेस्कटॉप साइट पर इसको कर लें तो वहाँ पर काफ़ी अच्छे से इसको दिखाया जाएगा। तो चलिए मैं इसी पे बताता हूँ। यहाँ पे देखिए कट का निशान है, कट पे क्लिक कर दीजिए। अब आपके सामने देखिए पेज ओपन होके आ गया। अब चलिए नीचे स्क्रॉल करिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें जिससे कि वो भी अपने क्विज को कंप्लीट कर सकें और देख सकें उनके अंदर कितनी कंप्यूटर की नॉलेज है। तो चलिए यहाँ पर, तो यहाँ पे देखिए सिंपली पेज ओपन होके आ गया। यहाँ पर आपको क्या करना, अपनी ई मेल आई डी जाननी है जो आपकी रजिस्टर्ड ई मेल आई डी होगी, कि आपको उस पर ही कुछ इन्फॉर्मेशन आए तो उसी पे आपको दिया जाए। तो यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डाल लीजिए, जैसे मैं डाल देता हूँ यहाँ पे। मैंने अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे डाल दी। अब यहाँ पे देखिए आप किस सेंटर से पढ़ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, सेंटर का पूरा नाम डालूँगा। उसके बाद नाम यहाँ पे डाल देता हूँ अपना, नाम डालने के बाद यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल देता हूँ, क्योंकि इस कॉन्टैक्ट नंबर में आप डालिएगा तो आपसे कॉन्टैक्ट भी हो सकता है, आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो वहाँ से हम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ गया, देखिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर, यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि कोई भी नया अपडेट आएगा तो आपको उसी पर अपडेट आपको मिल जाएगा। तो आपके लिए एक खास अपडेट है कि यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो मैंने देखिए अभी आपके सामने किया है, यस मैं कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे क्विज स्टार्ट हो गया है। तो चलिए हम देखते हैं। तो यहाँ पे है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है। तो क्वेश्चन क्या है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुपर कंप्यूटर। आपको जो भी आ रहे हैं आंसर आप उसको दीजिए, आपको नहीं आएगा तो आपको व्हाट्सएप पे पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा कि आपका कितना आंसर सही है कितना नहीं है, आपको उसका पूरा इन्फॉर्मेशन आपके उस पर व्हाट्सएप पे दे दिया जाएगा। आप ज़रूर इस क्विज को कंप्लीट करिएगा। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। तो आपको सिंपली पता है कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है। उसके बाद चौथा आ गया, चौथा क्वेश्चन क्या है, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया। तो कहाँ किया गया, डी हो जाएगा, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है मशीनी भाषा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होता है। तो सबसे तेज कंप्यूटर बताइए कौन सा होता है, आपको पता है तो यहाँ पे टिक लगा दीजिए, सुपर कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है, डाटा को उपयोगी बनाना। तो चलिए इसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए।
ऐसे ही आप जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन आ रहे हैं इन सभी के आंसर दीजिए। आंसर देने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करिए। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर क्वेश्चन आएंगे। आपको इसमें 40 क्वेश्चन दिए गए हैं, 40 से 40 आप करिए। जो भी आपको प्रॉब्लम आती है, आपका नहीं सही होगा तो मैं आपके हेल्प ज़रूर करूँगा। हेल्प करने के लिए आपको देखिए यहाँ पे व्हाट्सअप का आइकन दिया हुआ है, आप इस व्हाट्सअप पे आइकन पे क्लिक करें और आप हमारे ग्रुप से जुड़ जाइए, मैं आपको वहाँ पे हेल्प करूँगा। तो नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद मैं आपको बता दूँ, आप जैसे ही ये क्विज कम्प्लीट करेंगे, क्विज कम्प्लीट करते ही यहाँ पे देखिए सबमिट का ऑप्शन आ जाता है। सबमिट पे ऑप्शन करने से पहले आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा सेंड मी ए कॉपी ऑफ माई रिस्पॉन्स, यानी आपकी जो ईमेल आईडी है उस पे जो है कि एक क्विज का जो है सारा सिनेरियो चला जाए। तो यहाँ पे मैं सबमिट कर देता हूँ। सबमिट पे क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने आपका जो है कि व्यू स्कोर, आप यहाँ से स्कोर देख सकते हैं आपने कितना कम्प्लीट किया, आपका कितना सही है। और यदि आपका नहीं सही है तो मैं उसका पीडीएफ आपके व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए व्यू स्कोर पे क्लिक करते हैं। व्यू स्कोर पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपका सारा व्यू आ जाएगा कि आपने कौन कौन से आंसर दिए हैं, सही है कौन सा गलत है। तो देखिए इसका आंसर मैंने नहीं दिया है तो ये हमारा कट आ गया, बट मैंने जो राइट आंसर दिया है वो देखिए यहाँ पे सही आ गया। तो आप ऐसे ही क्विज को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा, आपके लिए कंप्यूटर का जो क्लास है वो काफ़ी बेहतर होगा। आपको जितने भी क्वेश्चन नहीं आ रहे मैं उसको पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है कि आप मोबाइल से भी इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको पसंद आई होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जब भी मैं नया अपडेट लाऊँगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यहाँ पर भी एक है, आप इसको भी देख लीजिएगा, आपको सर्टिफिकेट मिलता है एक कंप्यूटर का, आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। तो थैंक यू माय फ्रेंड, आपके लिए ये काफ़ी फायदेमंद है। धन्यवाद। आप यहाँ से व्हाट्सएप से हमें जुड़ जाइए। थैंक यू माय फ्रेंड।